जन्म भी शिक्षा ले सके, यह सोच को रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। पार्लियामेंट के अधिनियम के द्वारा और तब से लेकर के आज तक लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि सब लोगों को शिक्षा मिले। परंतु एक प्रोग्राम जिसका मैं हर दिन में जिक्र करता हूं, प्रोग्राम है जो सबको शिक्षा देने का काम कर रहा है। जो लोग, जो बच्चे किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, वो केवल साक्षर हो, पढ़ना लिखना जानते हो, मुझे आठवीं फेल हो, दसवीं फेल हो, ट्वेल्थ फेल हो या नीट ही हो, वो सब ये कोर्स करने के बाद सीधे ही अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीए और बीकॉम कर सकते हैं। ये कोर्स केवल 6 महीने का होता है। और ऐसे हमारे सेंटर ने बहुत सारे स्टूडेंट्स दिए हैं जिन्होंने इसके माध्यम से अपनी ग्रेजुएशन की, डिग्री के माध्यम से बीएड किया और उसके बाद गवर्नमेंट में आए टीचर हैं, राजस्थान गवर्नमेंट। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, तो मैं सबको आज ये आह्वान करूंगा कि इसका प्रचार प्रसार जितना भी आप कर सकें उतना करें। इग्नू में लचीलापन बहुत है, लचीलापन मतलब बंदी से बहुत कम है। आप अपनी मर्जी से परीक्षा के दौरान, आप परीक्षा आपकी चल रही है उसके दौरान भी यदि आपको किसी कारण से देश के किसी भी कोने में जाना पड़ गया, किसी भी अपनी मजबूरी के कारण आपने आज एक पेपर यहां दिया है, तो आप कल का पेपर कलकत्ता में भी दे सकते हैं, 8 दिन बाद तो आप अपना पेपर यहां रेगुलर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इतना लचीलापन है, इतना लचीलापन है जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। दूसरा, स्टैंडर्ड की अगर अपन बात करें, इसका स्टैंडर्ड इतना उच्च कोटि का है, जितने भी प्रतियोगी कक्षाएं होती है, आईएएस वगैरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब बच्चे इग्नू का मेटेरियल पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। हमेशा इग्नू के मेटेरियल की शॉर्टेज रहती है, बाजार में भी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इग्नू ही इसको सप्लाई करता है, बाजार में इसकी फ्री सेल नहीं है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि उच्च कोटि के जो प्रोफेसर हैं वो उन सबको बनाते हैं। और हमारा राजनीति सेंटर जो मैडम ने अभी बताया 2308, वो भी 1989 से चल रहा है। 85 में इग्नू की स्थापना हुई और 89 से या 88 से हमारा ये सेंटर चल रहा है। और इस सेंटर के मैक्सिमम टाइम प्रोफेसर अजय वर्मा जी समन्वयक रहे हैं, जिन्होंने इस केंद्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसमें मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है। सर के जाने के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर उसको संभाल लिया गया। आज राजस्थान में जैसे मैडम ने बताया, नंबर 1 का ये अध्ययन केंद्र है। हमारे इस सेंटर पर कम से कम 40 या 45 कोर्स चल रहे हैं वर्तमान में, और लगभग 85 काउंसलर, अप्रूव्ड काउंसलर जो इग्नू के द्वारा अप्रूव्ड हैं, जो कक्षाएं लेते हैं, और लगभग 70 के करीब हमने और बाय डेटा भेज रखे हैं जो कुछ ही दिनों में अप्रूव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो राजनीति अध्ययन केंद्र है, ये बहुत ही
अव्वल दर्जे का है और आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपने दो डिलीवरेंट को चुना है, ये आपको आने वाले समय में भी पता लग जाएगा। मैं थोड़ा एग्जाम और इसके सिस्टम के बारे में दो मिनट और बता दूं। एडमिशन आप सब लोग ले चुके हैं, एडमिशन के बाद इंडक्शन मीटिंग जो होती है ये चल रही है आपकी, इसके बाद असाइनमेंट आपको जमा करने होते हैं। असाइनमेंट का जो इवेल्युएशन होता है वो 30% होता है और 70% टर्म एंड एग्जामिनेशन का होता है। इसके क्वेश्चन पेपर नेट पर अवेलेबल होते हैं होम असाइनमेंट के लिए, वो वहां से डाउनलोड करने के बाद आपको उनको हल करने के बाद सेंटर पर जमा कराने होते हैं। जिन लोगों का एग्जाम दिसंबर में होता है उनको सितंबर और अक्टूबर में तीन काम करने होते हैं, असाइनमेंट जमा करने होते हैं, नोट करने सब चीजें। जिनका जून में एग्जाम होता है उनको मार्च और अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर और मार्च और अप्रैल में तीन काम मुख्य हैं, एक तो असाइनमेंट जमा कराना, एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना और तीसरे यदि आप एक साल से ज्यादा का कोई कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं तो उसका प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, अगले साल के लिए पहले ही एग्जाम देने से पहले ही फॉर्म भरना होता है, इसको प्री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच में काफी लोग हैं बोलने वाले जो इग्नू के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और आप जयपुर से चल करके आए हैं, सुबह 7 बजे चले थे हमारे साहब तब यहां जाकर के पहुंचे हैं। इनके बारे में मैं जितना भी कहूं वो कम है। सर देश के हर कोने में जा चुके हैं, अभी 8 या 10 दिन पहले सर जेएनके से लौटे हैं, इनका पोस्टिंग जेएनके में था और सर ने वहां पर पूरा डंका बजा के रख रखा था। जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता था, कई बार न्यूज में भी सुनता था, आपने सबको बताया कि जेएनके कितना डिस्टर्ब एरिया है, कॉलेज वगैरह बंद रहते थे, स्कूल बंद रहते थे, तो इग्नू के माध्यम से उन लोगों ने अपने एजुकेशन को किया है और सर की इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सर जहां भी जाते हैं सबसे खास बात यह है कि इनको नॉलेज बहुत है इग्नू के बारे में, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम रात को दिन में पूछ लें तो तुरंत आंसर आता है, और इन केस अगर इनको डाउट हो तो नेक्स्ट डे कॉल बैक करते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी इनके अंदर है जो कि रीजनल सेंटर में किसी के पास नहीं है जयपुर में, तो मैं समझता हूं इसके लिए तालियां हो जानी चाहिए। और क्योंकि सब बहुत वक्ता बैठे हैं मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू।